मेजवा में एक बार फिर हौसला बुलंद चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाते हुए दान पात्र, नगदी व दुर्गा माँ की नथिया, मुकुट समेत लाखों के आभूषण पार कर दिए। मंदिर के भक्तों ने मेजवा कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि सोमवार की बीती रात मेजवा थाना क्षेत्र के डोहरिया शंभूचक गांव में जय मां दुर्गा शक्ति पीठ मंदिर से चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर से मां दुर्गा का चांदी का मुकुट, सोने की नथिया, दान पात्र जो पिछले 3 महीने से नहीं खुला था, जिसमें करीब लाखों रुपए थे, चोरों ने पार कर दिए। ग्राम प्रधान डोहरिया व जय मां दुर्गा शक्ति पीठ के भक्तों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि मेजवा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। करीब 1.5 माह पूर्व मेजा रोड स्थित श्री सिद्ध हनुमान मानस मंदिर समेत 3 और मंदिरों को निशाना बनाते हुए लाखों का माल ले उड़े, लेकिन आज तक स्थानीय पुलिस चोरी का खुलासा करने में नाकाम साबित हो रही है, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। पिछले 2-3 महीनों से इस क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। 9 तारीख की रात्रि में ये अपना जय माँ दुर्गा देव शक्ति पीठ डोहरिया में चोरी की गई है। पीछे से ताला तोड़कर अंदर रखा हुआ माता आलमारी का ताला तोड़ा गया। आलमारी को साबर से तोड़ा गया है, उसके तोड़कर बाहर कर दिया, जिसमें कि माताजी का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का गहना था, जिसमें कि माताजी का हार, नथिया, झुमका, मुकुट व कई सारे सामान थे उसमें। और साथ में करीब 3 से 4 महीना से रखा हुआ, उधर आप देख सकते हैं दान पेटी रखा हुआ है, उसमें हमारे हिसाब से कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए तक दान पेटी में रहा होगा। कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपए का म्यूजिक सिस्टम था, सबको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का सामान ये यहाँ से ले जाए चोरी किए हुए हैं। और इसमें जल्द से जल्द आप मीडिया बंधुओं से भी व प्रशासन से भी अनुरोध है, जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द हमें माल बरामदगी चाहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, जिससे कि यहाँ एक ये देखिए हिंदुओं के आस्था का भी विषय है यहाँ पर, और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए और साथ में हमें सामान की बरामदगी चाहिए। इसकी जानकारी आपको कब हुई? इसकी जानकारी हम लोगों को सुबह हुई जब पुजारी जी हमारे यहाँ आते हैं, देखते हैं तो मंदिर का चारा पीछे से टूटा हुआ, सब कुछ सामान बिखरा हुआ चारों तरफ से था। पुजारी जी ने ग्रामीणों को, सब लोगों को इस चीज इस विषय पे जानकारी दी। जब सब लोग एकत्रित होकर देखते हैं तो यहाँ पे आपका परिचय भैया? मेरा नाम विमल कुमार पांडे। पुजारी का नाम कृष्ण कुमार पंडा है, यहाँ के पुजारी जी हैं। आप यहाँ कितने बजे तक रहे हैं? हम लगभग 8:30 बजे तक शाम को पूजा पाठ करने के बाद 8:30 बजे के बाद आप चले गए? जी 8:30 बजे पूजा पाठ करने के बाद मंदिर को बंद करके, जैसे जो कि डेली का नियम है भोग आरती के बाद। तो ये आपका गांव का सामूहिक मंदिर है? अच्छा, मंदिर की स्थापना कब हुई है? मंदिर का इसका जीर्णोद्धार जो है यही नव निर्माण 2018 में मार्च में हुआ है। मंदिर तो प्राचीन मंदिर है, काफी ऐतिहासिक।